हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये सभी उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों को रोमन नंबर नहीं आता है, जब वो क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं, क्लास सेकेंड में पढ़ते हैं, क्लास थर्ड में पढ़ते हैं, क्लास फोर्थ में पढ़ते हैं, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे वो बड़े बच्चे हो, ये उन सभी बच्चों के लिए हैं जिनको रोमन नंबर नहीं आता। ठीक है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब ध्यान से सुनेंगे, जब केयर करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो 1 to 100 होता है ना, 1, 2, 3, 4 जो काउंटिंग नंबर होता है ना, वो जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं हिंदू अरबिक नंबर। क्या कहते हैं उसे? बोलते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम होता है आपका। जो हम काउंटिंग नंबर करते हैं ना, 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4 ना, जो ऐसे जो नंबर होता है इसे कहते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम। क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक सिस्टम का अर्थ है रियल जो नेम होता है वो हिंदू अरबिक सिस्टम होता है। अब उस हिंदू अरबिक सिस्टम को रोमन नंबर में कैसे दिखाता है वो इस वीडियो में बताया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। याद देखिए आप लोग, 1 को आई होता है, यू नो आई, आई फॉर इंकॉट, आई फॉर आइसक्रीम। 2 डबल आई, 3 जो होता है वो ट्रिपल आई का, ट्रिपल आई। ओके, और 4 जो होता है बच्चों वो आई और वी होता है, आई और वी। 5 जो होता है वो वी होता है, और 6 न, तो वो 6 जो है वो 5 से एक बड़ा है, तो 5 में वी होता है, तो 6 में वी और ये आई ले लेंगे आपका। 7th में वी डबल आई, 8 में वी ट्रिपल आई, और 9 में क्या होता है आई एक्स होता है, और 10 में क्या होता है एक्स होता है। जो 10 होता है एक्स न, और जो 9 जो है वो 10 से एक कम है, मतलब एक जो ना आई जो है वो x से पहले कर देंगे तो वो क्या होगा 9 होगा। ठीक है, अगर आई x से पहले लिखोगे तो 9 कहलाएगा, अगर आई को एक के बाद लिखेंगे तो वो 11 कहलाएगा, इस तरीके से आपका। फिर देखिए आप लोग, देखिए आपको सीखना है कि उनके लिए जिनको नहीं आता है रोमन नंबर, जो काफी कंफ्यूज रहते हैं, ये उनके लिए वीडियो बनाया गया है। जिनको आता है अच्छी बात, वेरी गुड, लेकिन जिनको नहीं आता है वो समझने की कोशिश करें। कोई भी चीज़ जब आपको नहीं आती है और आप चाहते हैं कि एक बार में सीख जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार में अगर नहीं आता है तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, उसको बार बार सीखने की कोशिश की जाता है। बार बार जब देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, देखिए आप, 1 का आई होता है, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का जो होता है वो आई वी होता है, 5 जो होता है वो वी होता है, 6 जो होता है वो वी आई होता है, 7 जो होता है वी वी डबल आई होता है, 8 वी ट्रिपल आई, 9 जो होता है आई एक्स होता है, और जो 10 होता है वो क्या होता है एक्स होता है। ठीक है, अब आते हैं 11। 11 जो होता है बच्चों वो 10 से एक ज्यादा होता है ना, तो एक्स 10 होता है, 10x उतार लिया हमने आपका, तो ये 10 और 1 11, 10 और 1, 10 मतलब होता है एक्स और 1 मतलब आई, आई बगल में लगा देंगे आपका, ये 12 है, तो 10 2, तो एक्स का होता है 10 और यहाँ पर 2 आई बगल में लगा देंगे। 13 में चुना तो 13 होता है 10 3, तो 10 का होता है x और 3 यहाँ पर ट्रिपल आई लगा दोगे आपका। 14 क्या होता है आपका 10 4 14, तो x और आई 4 कर दोगे। 15 है 10 5 15, तो 10 का होता है x, हमने लिखा x, और 5 का होता है b कर लोगे आपका। 10 6 16, 10 का होता है x और 6 का होता है वी आई। 17 का होता है 10 और 7 17 होता है, तो 10 का x किया हमने और 7 का यहाँ पर 7 दिया उतार दिया हमने। 18 का होता है 8, तो 10 8 18 का, तो 10 का होता है x, 8 का होता है 8। ओके आपका, 10 है 19 होता है 10 और 9, तो 10 और 9, 10 का होता है x और 9 का होता है आई एक्स। अब आते हैं 20। जो 20 होता है वो होता है, जो 20 होता है, ट्वेंटी बन जाएगा। अब आते हैं देखो, 20 पर आता है, तो 20 में मतलब डबल एक्स का होता है 20 और 1 का होता है आई, तो 21 कर लोगे। 22 है तो डबल एक्स, ये डबल 2 कर लोगे आपका, डबल आई कर लेंगे। 23 है तो 20 का होता है डबल एक्स और 3 का होता है यहाँ पर ट्रिपल आई। 24 है तो 20 का होता है डबल एक्स और 4 है तो 4 का होता है आई भी होता है। 25 है 20 का होता है डबल एक्स और 5 का होता है वी, तो वी लगा लोगे आपका। 26 आपका ना बच्चों,
तो 20 का होता है डबल एक्स और 6 का होता है वी आई डी आई कर लेंगे आपका 27 आपका है तो 20 का होता है डबल एक्स और 7 का होता है वी डबल आई कर लोगे आपका 28 आपका है तो 20 का होता है डबल एक्स और 8 का होता है वी ट्रिपल आई कर लोगे आपका 29 आपका ना तो 20 का होता है डबल एक्स और 9 का होता है आई एस कर लोगे आपका। अब आते हैं 13 तो 20 और 10 30 तो 20 का होता है डबल एक्स और 10 का होता है एक्स कर लोगे आपका। तो ये तरीका है। अब देखो 31 आपका है तो 31 मतलब होता है 30 का होता है ट्रिपल तो क्या करें 31 तो ट्रिपल एक्स कर लोगे आपका सॉरी ट्रिपल एक्स ओके 32 आपका है तो डबल एक्स कर लेंगे आपका 33 आपका है तो 30 और ये ट्रिपल आई कर लोगे आपका 34 आपका है तो 34 में 30 और ये 4 कर लोगे 35 का है तो 35 कर लेंगे 36 है तो ट्रिपल एक्स और ये वी आई कर लोगे आपका 37 आपका 30 का होता है ट्रिपल एक्स और 7 का होता है वी डबल आई कर लोगे आपका 38 30 का ट्रिपल 3 होता है और 8 का होता है वी ट्रिपल आई कर लोगे इस तरीके से ओके। अब आते हैं 39 तो 30 का होता है ट्रिपल एक्स और 9 का होता है आई एक्स कर लोगे आपका। अब देखो 14 है तो जो 40 होता है वो 50 से 10 कम होता है तो 50 का होता है एल ना तो ये 40 है वो 10 कम है तो 10 का होता है एक्स तो एक्स को पहले करोगे आपका जब वो कम होता है तो उस नंबर को पहले तो एक्स एल होता है 40 आपका। अब 41 है तो एक्स एल का होता है 40 और 1 का होता है आई तो 41 कर लेंगे 42 है तो 42 40 का होता है एक्स एल होता है और 2 का होता है डबल आई तो डबल आई कर लेंगे आपका 43 ना आपका तो 43 का होता है एक्स एल और यहाँ पर ट्रिपल आई कर लोगे आपका 44 बोल रहा है तो 40 का होता है एक्स एल और वो 4 का होता है यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर दिया गया ना 4 का होता है आई भी कर लोगे आपका 45 का एक्स एल होता है और वी होता है 46 का एक्स एल वी आई होता है 47 आपका है तो 40 और 7 40 का होता है एक्स एल और 7 का होता है वी डबल आई होता है। अब आते हैं 48 देखिए 48 40 का होता है XL और 8 का होता है V ट्रिपल आई होता है 49 आपका है तो 40 का XL होता है 9 का IX होता है तो कर लोगे आपका और 50 का L होता है ये आपको याद करना पड़ेगा ओके। बस आपको 1 से लेके 20 तक याद करना है 1 से लेके 20 तक आप अच्छे से आप समझ गए तो बाकी जितने हैं वो आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ओके। अब देखो यहाँ पर 50 के बाद 60 आता है बल्कि मैं 51 52 मैंने नहीं किया क्योंकि वही स्टेप आपका है तो मैंने डायरेक्ट 60 का होता है एल एक्स 70 का होता है एल डबल एक्स 80 का होता है एल ट्रिपल एक्स और 90 का होता है एक्स सी होता है 100 का होता है सी है तो 90 जो होता है वो 100 से 10 कम होता है तो मैंने अभी बताया आपका कि 10 का होता है एक्स क्योंकि 90 100 से 1 कम है तो एक्स को सी से पहले हो गया तब ये 90 कहलाएगा। अगर x को c के बाद करेंगे तो आप 110 होगा ठीक है तो 100 का होता है c और 500 का होता है d ध्यान दीजिए आप लोग 100 का c होता है 500 का d होता है और ये लिखा 1000 ना 1000 का होता है m कितना होता है m होता है ओके और l 50 किसका होता है l होता है ना 50 क्या होता है l और 100 का 100 का c और 500 कितना होता है d और 1000 का m है ना आपका तो ये आपका रोमन न्यूमरल है इसी तरीके से आपको करना है ये जिनको नहीं आता है उसको ध्यान से देखना है और ये क्लास थर्ड या क्लास फोर्थ फिफ्थ में सब आते हैं जिन जो बच्चे क्लास 8-9 से पढ़ते हैं अगर नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने किया है वो सिर्फ वाली लाइक करेंगे ओके। थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।